हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 5.3। इसके पहले हमारी 5.1, 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। साथ में हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जो है वो हो चुकी है। उसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगी। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो क्लास हुई है उसमें हमने इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो है उसको समझाया, साथ में सारे एग्जाम्पल्स करवाए। ठीक है, तो ये रही हमारी प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं आपको टच करना है, आपको ये जगह बता रही हूँ कि हमारे चैनल में कहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चार क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि आखिर हमारा फॉर्मूला क्या है समांतर श्रेणियों के योग का। ये होता है हमारा एस एन इजिकल टू एन बाई टू और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये होता है हमारा एन पदों का योग का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि पहला पार्ट जो हमारा दिया गया है उसमें हमको क्या दिया है, 2, 7, 12। ठीक है, इस तरीके से हमारा डैश चल रहा है। फिर इन्होंने बोला है 10 पदों तक, मतलब हमें 10 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, 10 यहाँ पे इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, हमें 10 पदों तक योग निकालना है। मतलब 10, 2, 7, 12 इस तरीके से आगे तक चलता जाएगा, 10 संख्या तक चलता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगा, देखो भाई एन चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, डी चाहिए होगा, ये तीन चीजें जो है वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, इन तीन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ए देखेंगे, ए हमारा है क्या। ठीक है, ए जो है वो हमारा पहला पद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, डी की बात करते हैं तो डी हमारा क्या होता है, सार्वअंतर होता है। ठीक है, मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, जैसे 7 और 2 का हम अंतर करेंगे, लास्ट में से हम पहले वाले को हटाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कि 7 में से 2 को हटा दो या 12 में से 7 को घटा दो, आंसर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सार्वअंतर। डी की बात, डी हो गया। अब हम देखते हैं एन, इन्होंने 10 पदों तक, तो यही जो 10 है यही हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारी चीजें पता चल गई। अब हम एस एन की जो वैल्यू है वो निकाल देंगे। ठीक है, एन एस एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, S10 लिख देंगे, क्योंकि हमें 10 पदों तक योग निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S10 इजिकल टू एन बाई टू, एन बाई टू मतलब 10/2 और ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 2 है, प्लस एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू में डी, डी का मतलब है 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारा 5 हो गया, ब्रैकेट में हमारा 2 2 4 प्लस 9 गुणे में 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 गुणे में, ये हमारा 5 ने 45, 45 में जो हमने 4 जोड़ा तो हमारा हो गया 49। ठीक है, तो 5 ने 45 हो गया, 5 को 20 और 4 24 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 245 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 पदों का योग जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 245 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना दूसरा वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। इसमें हमारे पास ए जो है वो क्या है, -37। ठीक है, और डी की बात करते हैं तो डी जो है वो हमारा क्या है, -33 में से हम क्या घटा देंगे, -37 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -33 + 37। ठीक है, ये हमारा +4 आ जाएगा। ठीक है, +4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाई मेरी गरम गरम चाय आ गई है। ठीक है, हमें निकालना है 12 पदों तक योग, मतलब एन जो है वो हमारा क्या है, 12 है। फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते ही हैं, पर मैं फॉर्मूले को बार बार लिखूंगी, बार बार बोलूंगी, चाहे आप कितना भी बोर हो जाओ।
वो इसलिए क्योंकि अगर मैं किसी चीज मतलब मैं क्या अगर कोई भी किसी चीज को बार बार सुनता है तो वो चीज उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो हमारा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें 12 पदों का योग निकालना है, तो मतलब S12 निकालना है। एन की वैल्यू 12 है, अपॉन में 2 कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, 2 इंटू ए, ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है माइनस का 37 है, इस तरीके से लिख दिया, प्लस लगा दिया, एन की वैल्यू 12 माइनस ए, डी की वैल्यू हमारी 4 निकल के आई है। काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, हमारा क्या आ गया 6 × 37, दूनी हमारा क्या हो जाएगा 74, 7 × 14 और 2 × 3 = 7, माइनस का 74 आ जाएगा, और प्लस लगा देंगे हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11 और चक्कू 44 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास माइनस का क्या आएगा घट जाएगा, घट के हमारा ये हुआ 0, 4 में से 4 गया और 7 में से 4 गया 3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 3 = 18, माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, मतलब S12 की वैल्यू जो है ठीक है हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 180, मतलब 12 पदों का योग जो है वो हमारा माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है तीसरा और चौथा। ठीक है, इसमें हम अगर ए की बात करते हैं तो ए जो है वो हमारा 0.6 है और 100 पदक तक निकालना है, मतलब एन जो है वो हमारा क्या है 100 है, और हमें डी निकालना पड़ेगा। डी के लिए 1.7 में से हमें 0.6 को घटा देना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा डी। इतना हो गया। अब हमें क्या लिखना है भैया, एस एन मतलब 12 पदों तक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a + n-1 × में डी। ठीक है, तो एन हमारा कितना है, एन जो है वो हमारा 100 है, 100/2 ब्रैकेट लगाया 2a, ए की वैल्यू जो है वो है 0.6 + n-1 मतलब कि 100 - 1 × d, d का मतलब है हमारा कितना 1.1। ठीक है, अब हम काट देंगे 2 एकम 2 और 50 बार में चला जाएगा, 50 बार में कट गया। अब हमारा यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 × 12, मतलब 1.2 आ गया, और 99 की हमारी किससे गुणा हो जाएगी, यहाँ पे 99 आएगा, 99 की 1.1 से गुणा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, 99 की गुणा करनी है 1.1 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9 यहाँ पे लगाया, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये 9 हुआ, 9 9 18 और 1 10, 1 अंक पहले दशमलव, मतलब ये आ जाएगा 1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा दूर, 108.9। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ गुणा हो जाएगी, जोड़ने पे हमारा क्या आएगा 9 और 2 हमारा हो जाएगा 11, 1 हासिल। ठीक है, 8 और 1 9, 9 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 110.1। ठीक है, अब कर देंगे हम गुणा। ठीक है, 50 से इसकी गुणा कर देंगे 110.1 की, तो 5 एकम 5 और 5 0 × 0 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा हुआ था, 0 लगा दिया, 1 अंक पहले दशमलव था, 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया, और दशमलव के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया 5505 आ गया। मतलब एस हमारा क्या निकाल रहे थे हम, एस 100 निकाल रहे थे, एस 100 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है 5505 आ गई है। ठीक है, कितनी आ गई है 5505 आ गई है। ठीक है ना, इजी। अब हम इसको करते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ए जो है वो हमारा कितना है 1/15 है, डी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 1/12 में से 1 माइनस कर देंगे 1/15। ठीक है, माइनस हम यहाँ पे कर देते हैं तो हम क्या करेंगे 12 और 15 का लासा लेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है ठीक है लासा लेना तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो 12 और 15 का हम लेंगे लासा, 3 से कट जाएंगे तो 3 चक्कू 12, 3 पचे 15। ठीक
ठीक है, तुम्हारा लासा हो जाएगा 3 चक्कू 12, 12 25 60, ठीक है, 60 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 60 लिख देंगे इस तरीके से, 60 लिखा। और अब हम क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 5 आया, 5 की 1 से गुणा, 5 आ गया, माइनस लगाया, और हम 15 छक्कू 60, 4 होता है, 4 की 1 से गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। इस तरीके से 1/60 जो है वो हमारा क्या डी आ जाएगा। एन की बात करते हैं तो एन तो ऑलरेडी हमारा 11 पदों तक बोला गया है, तो एन हमारा 11 हो जाएगा। अब हमें एस एन निकालना है, ठीक है, तो एस एन मतलब 11 पदों तक निकालना है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, फॉर्मूला जस्ट यही हमारा लगेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a+n-1 में डी, ठीक है। तो हमारा क्या एन बाई टू मतलब 11/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू है 1/15, और फिर हमारा जो ब्रैकेट लगेगा प्लस लगा के एन माइनस में 1 × d, d की वैल्यू है 1/16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/2, और यहाँ पे गुणा हो जाएगी हमारी क्या 2/15, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 60 काट देंगे, 10 × 1 = 10, 10 × 6 = 60, तो हमारा 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ये 2/15 और 1/6, 15 और 6 का हम लेंगे लासा, तो 15 × 2 = 30, 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा क्या आएगा 3 आएगा, और इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 3 और 2, 3 तो कॉमन हो गया, तो 3 × 15 × 2 = 30, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आपको लासा लिखना सीखना है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हमारा एक दूसरा चैनल है जूजस बेसिक मैथ, जहाँ पे मैं बेसिक मैथ के साथ साथ ट्रिकी मैथ भी सिखाती हूँ, वहां पे आप आ जाइए, वहां पे हम बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस की, और ट्रिक्स भी निकलती जाती है, उनको भी साथ के साथ बताते जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे 30 आएगा, तो 15 × 2 = 30, 2 आया, 2 से 2 की गुणा हमारी 4 हो गई, और 6 × 5 = 30, 5 आया, 5 से 1 की गुणा 5 हो गई। इस तरीके से हमारा क्या आ गया 11/2, और गुणा हो जाएगी हमारी 9/30 से, ठीक है। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, जैसे कि हम जानते हैं 3 × 3 = 9 होता है, और 3 × 2 = 30 होता है, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, कट गया इतना, बाकी हमारा कुछ कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 11 × 3 = 33, और 10 × 2 = 20, ठीक है। इस तरीके से 33/20 जो है वो हमारा आ जाएगा एस एन, ठीक है, एन पदों का वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनका योग फल ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है 7 + 10 × 1/2, और प्लस में 14 है, और इस तरीके से हमारा डॉट 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 ब्रेकर 84 दे दिए गए। योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम, ये जो हमारा 10 ही 1/2 है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम सही से लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा 10 × 2 = 20, 20 और 1 = 21 हुआ, इसको हम 21/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए हम देख लेते हैं हमारा ए कहाँ है, ए जो है वो हमारा प्रथम पद होता है, जो कि है 7। फिर हमें डी निकालना होगा, डी हमारा क्या हो गया होगा, 21/2 में से 7 को घटा दो, या 14 में से 21/2 को घटा दो, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 21/2 में से 7 को घटा रही हूँ, तो 7/2 में कुछ नहीं है, तो हमने 1 लिख लिया, फिर 2 और 1 की गुणा की, 2 × 1 = 2 हो गया, और 21 × 1 = 21 हो गया, माइनस था माइनस लगा दिया, 2 × 7 = 14 किया, ठीक है, घटा दिया, 21 में से 14 गया, तो हमारा 7 बचा, 7/2 जो है वो हमारा डी आ गया। अब हमने ए भी निकाल लिया है, डी भी निकाल लिया, हमें हमारा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा हमारे पास अंतिम पद जिसको हम एल बोलते हैं, प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा योग का, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एन चाहिए होगा, एन तो है नहीं, हमें तो पता नहीं कितने पद हैं, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन
इंटू में डी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ए एन क्या है, ये एल ही हमारा ए एन होता है, ठीक है, एल ही हमारा ए एन होता है। तो हम यहाँ पे 84 लिख देंगे, एन वापस जो है वो हमारा 84 है, ए हमारा 7 है, प्लस एन तो हम पता ही नहीं है निकालना है, और डी की वैल्यू हमारी 7/2 आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन माइनस वन इधर ले आएंगे और 7/2 उसको भी इधर ले आएंगे, और हम क्या करेंगे, ये जो है 84 लिखा हुआ था 7 को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को घटाएंगे, 14 में से 7 गया, 7 बचा, 77 बचा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एन माइनस वन लिखा रहने देंगे, ये 2/2 बराबर के उधर जब जाएगा ये गुणा में हो जाएगा, और 7 जो ऊपर था ये बराबर के इधर आते ही भाग में हो जाएगा, काट देगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 एकम 7, तो 11 दूनी 22, ठीक है, हमारा आ जाएगा एन माइनस वन। हमें तो एन की वैल्यू चाहिए, तो वन को उधर भेजना पड़ेगा, 22 + 1 मतलब 23 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 23 आ गई है, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू तो हमें पता चल गई है ना, 23 है, अपॉन में 2, ए हमारा 7 है, एल जो है वो हमारा कितना था, लास्ट वाला पद हमारा है 84, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, 23/2, 7 और 84 को जोड़ देंगे, 7 4 कितना होता है, 7 4 11, ठीक है, और 9 91 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, 91 100 चाहे तो इनको इनकी इनकी गुणा कर लो, 91 और 23 की गुणा कर लो। इसका भी हम आपको शॉर्ट तरीका बता देते हैं, जैसे कि हमें 23 की गुणा किससे करनी है, 91 से करनी है, तो हम 91 को 90 + 1 में तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो एक और तरीका है, वो बेस्ट तरीका है, उससे भी कर सकते हो, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ठीक है। जो हमारा क्या है, हमें क्या करना है, 91 की गुणा 23 से करनी है, इस तरीके से कर लो, 3 एकम 3 और 3 नियम 27 और 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा 29, 29 का 9 लिख दो, और 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ दो, 19, 18 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक है, 9 दूनी 18 19 20, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2093 आया है, 2/2 था, अब हम उसको भाग करेंगे, ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे भाग करके भी आपको दिखा देते हैं, 2093 को हम भाग करेंगे, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया, 0 उतारा, नहीं जा रहा था 0 तो 0 उतारा, फिर से हमने एक अंक उतारने की परमिशन मिल गई, 9 उतार दिया, 2 चक्कू 8 हो गया, 1 बच गया, 3 उतारा, 2 छंगे 12, ठीक है, आप देख सकते हो 1 बच गया, तो 1 शेष बच गया, शेष हमारा अंश बन जाता है, बाकी हमारा 1046 जो है वो सही पूर्ण संख्या बन गई है, और 2/2 था ही, तो ये जो है हमारा योग आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहला वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, 34 32 30, ठीक है, 34 32 30, ये रहा हमारा सेकेंड वाला पार्ट, 34 + 32 + 30, ठीक है, इस तरीके से प्लस करते हुए डैश 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 करते हुए हमें जाना है 10 तक, ठीक है। इसमें हमारा लास्ट पद क्या है, वो इसमें जो हमारा ये क्या है, ए है, ये क्या है, एल है, और ए एन भी इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारी चीजें चाहे तो हम लिख देते हैं, ए जो है वो हमारा 34 है, और एल जो है वो हमारा, एल या ए एन जो है वो हमारा 10 है। अगर डी की बात करते हैं तो डी हमारा कैसे निकलेगा, 32 में से 34 को घटा दो, 32 में से 34 को जब हम घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस एल, ठीक है, और अपॉन में एन इंटू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो एन की जरूरत होगी ना, तो एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
एन माइनस वन इंटू में डी। तो एन हमारा कितना है 10 है, ए जो है वो हमारा कितना है 34 है, ठीक है, प्लस लगा देंगे एन माइनस वन कर देंगे, डी की वैल्यू हमारी माइनस के 2 आई है, उसको ब्रैकेट में लिखना मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 34 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस वन और माइनस का 2 जो था इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और पक्षांतर कर लेंगे, एन माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 में से 10 हटाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा, बटे में माइनस का 2 था, माइनस से माइनस कट जाएगा, काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए माइनस वन को उधर भेजना पड़ेगा, 12 प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 13 निकल के आ जाएगी। एन की वैल्यू हमारी 13 निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू एन बाई टू, मतलब 13/2 ए प्लस एल, ए जो है वो हमारा 34 है, एल जो है वो हमारा 10 है, ठीक है। तो 13/2 तो फिलहाल लिख ही देते हैं, और ये जो हमारा हो जाएगा 44 हो जाएगा, काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 दूनी 26, 2 28, 286 इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये इसका आ जाएगा योग, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और आपसे एक और बात कहना, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर ले, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे ऐप जोजस स्टडी को भी डाउनलोड कर लेना। आप डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी हमारी, क्योंकि कुछ तबियत वगैरह खराब हो गई थी, ठीक है, इस वजह से क्लासेस नहीं कर पाए, फिलहाल हमारी क्लासेस जो है डेली बेसिस पे होंगी। अब अपना लास्ट वाला पार्ट कर लेंगे, जो कि है हमारा -5 -8 -11, ठीक है, यह है हमारा थर्ड वाला पार्ट, -5 +-8 +-11 + इस तरीके से डैश, फिर प्लस क्या है, फिर है हमारा -5 -8 -11, माइनस का 230, ठीक है, फिर है माइनस का 230, ठीक है। अब इसमें हम अगर ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करते हैं तो ए जो है वो है हमारा -5, डी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 8 में से हमें क्या घटाना है, -5 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा 5, तो यह क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एल, एल जो है वो माइनस का 230 है, जिसको हम एन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें तो एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि एन जो है वो हमारा माइनस का 230 है, और ए जो है वो माइनस का 5 है, और प्लस लगा देंगे एन माइनस वन लिख देंगे, और डी जो है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हमने निकाली है -3, ठीक है। अब माइनस का 230 जो है लिखा रहने देंगे, माइनस का 5 उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, और बराबर में एन माइनस वन और -3 लिख देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 225 आ जाएगा, -3 इधर गया तो ये अपॉन में चला गया, और एन माइनस वन अभी भी इधर लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कट गया, इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, तो मतलब एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना आया, 75 आया था, 75 में 1 उधर जाएगा तो 1 ऐड हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब हमें क्या निकालना है, ए एस निकालना है, ठीक है, एस निकालना है, योग निकालना है। एस इज इक्वल टू क्या था, एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, ये निकालना था, ये निकालना है। तो वो फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख देंगे, ये हमारा निकला था 76/2, ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, ए की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, -5 है, एल की वैल्यू जो है वो है हमारी, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, -230 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 76/2 इसको काट ही लेते हैं यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम 38 ही लिख देते हैं, 38 लिख दिया,
अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 230 जोड़ के हमारा माइनस का 235 हो जाएगा। अब हमें करनी पड़ेगी इनकी गुणा, ठीक है? तो गुणा कर लेते हैं, मैं गुणा करके हमने पहले ही करके रखी है, क्या आ जाएगी, माइनस का 8930 आ जाएगी, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा एस, ठीक है, S76, ठीक है। इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में।